हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एनक्लैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैं आपको बताऊंगा एबनॉर्मल ईसीजी और उनके पैटर्न्स के बारे में। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट एबनॉर्मल ईसीजी, लेट्स डिस्कस अबाउट नॉर्मल ईसीजी एंड साइनस रिदम फर्स्ट। नॉर्मली क्या होता है, नेचुरली हमारे हार्ट में दो पेसमेकर होते हैं। फर्स्ट वन इज SA नोड, जो क्या होता है नेचुरल पेसमेकर। सेकंड वन इज AV नोड, जो क्या होता है इट एक्ट एज ए बैकअप पेसमेकर। इसके और भी काम होते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। सो कार्डियक आउटपुट जनरेट करने के लिए हमारे हार्ट में दो मूवमेंट्स, दो एक्टिविटी साइमल्टेनियसली चलती हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट विल लीड टू मैकेनिकल एक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैकेनिकल एक्टिविटी को करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले SA नोड ने फायर किया, करंट आया हमारे एट्रियम में और इस करंट की वजह से हमारी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई। बट जब हम इसे ग्राफिकली देखते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पी वेव कब फॉर्म होती है, जब करंट आता है हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है तब हमारी पी वेव फॉर्म होती है। आफ्टर दैट ये करंट हमारे एट्रियम से होकर गया हमारे AV नोड के पास। जब करंट हमारा AV नोड के पास पहुंचता है एट दैट टाइम देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन आवर हार्ट। क्यों? क्योंकि AV नोड का काम होता है करंट को होल्ड करना। अब AV नोड करंट को होल्ड क्यों करके रखता है? बिकॉज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज मच फास्टर देन मैकेनिकल एक्टिविटी। जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो फास्ट है मैकेनिकल एक्टिविटी की। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली अगर हमारे पास AV नोड ना हो तो क्या होगा? करंट आएगा, एट्रियम से पास होगा, वो करंट पहुंच जाएगा वेंट्रिकल के पास। अभी एट्रिया की तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एक्टिविटी स्लो है, वो करंट पहुंच गया हमारी वेंट्रिकल्स के पास। अब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन भी साथ हो जाएगी, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी और रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड होता है इस कंडीशन में। सो AV नोड क्या करता है, करंट को होल्ड करता है। कब तक? जब तक हमारी मैकेनिकल एक्टिविटी हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बराबर ना पहुंच जाए। इन यूजुअल कंडीशन AV नोड करंट को होल्ड करके रखता है 0.1 सेकंड के लिए। अब AV नोड ने करंट को जब होल्ड किया उस टाइम तक हमारी ग्राफिकली हमारी इलेक्ट्रिकली कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो ग्राफ में हमें दिखती है एक फ्लैट लाइन जिसे हम बोलते हैं PR सेगमेंट। मतलब इस टाइम करंट कहाँ था? हमारे AV नोड के पास। अब AV नोड ने उस करंट को रिलीज कर दिया हमारी वेंट्रिकल्स में, देन देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर वेंट्रिकल्स। तो उस टाइम पे क्या होगा? QRS कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है जी, ये QRS कॉम्प्लेक्स किसे रिप्रेजेंट करता है? हमारी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को। आफ्टर दैट देर इज पी वेव, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को। सो पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को, PR सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है जब करंट है हमारा AV नोड के पास, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है हमारा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। नाउ करंट क्वेश्चन इज वेयर इज एट्रियल रिलैक्सेशन? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन तो हमें दिखी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन दिखी, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन दिखी, बट एट्रियल रिलैक्सेशन नहीं दिखी। द आंसर इज एट्रिया की रिलैक्सेशन कब होती है? जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और ECG हमेशा हायर करंट को पिक करती है। इस कंडीशन में ECG पिक करती है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को रेदर देन एट्रियम रिलैक्सेशन को। इसी टाइम पर हमारी एट्रिया की रिलैक्सेशन हो रही थी, बट हायर करंट किसका ज्यादा था? वेंट्रिकल्स का। सो ECG मशीन ने किसे पिक किया? हमारी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है जी, आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट ECG स्ट्रिप, जब हम ECG स्ट्रिप देखते हैं उसमें हमें दो तरह के बॉक्सेस मिलते हैं, वन इज लार्ज बॉक्स, सेकेंड वन इज स्मॉल बॉक्स। वन लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स। एक लार्ज बॉक्स कितने स्मॉल बॉक्स के इक्वल होता है? 5 स्मॉल बॉक्स के। एंड वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड। ECG मशीन एक स्मॉल बॉक्स को 0.04 सेकेंड में कवर कर लेती है। एंड अगर हमें लार्ज बॉक्स की टाइमिंग निकालनी है हमें मल्टीप्लाई कर देना 5 से, इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड। ठीक है जी, हमारे लार्ज बॉक्स को ECG मशीन कितने टाइम में कवर करती है? 0.20 सेकेंड में। नाउ कीप इन माइंड वन पी वेव शुड नॉट मोर देन 0.12 सेकेंड। मतलब एक पी वेव नॉर्मली 3 स्मॉल बॉक्सेस से बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 बॉक्सेस में हो जाती है दैट रिप्रेजेंट
एट्रियल ब्रेडिकार्डिया, ठीक है जी। हमारे एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो हो रही है। अगर ये दो बॉक्सेस में हो जाती है, मतलब हमारे एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है जी। आफ्टर दैट पीआर इंटरवल कितने टाइम का होता है? 3 to 5 बॉक्सेस, 0.12 से लेकर 0.20 सेकंड तक, 3 to 5 बॉक्सेस के बीच में हमारी पीआर सेगमेंट हो जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा टाइम की लेती है, दैट विल रिप्रेजेंट हार्ट ब्लॉक, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्टली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मली कितना होता है? सेम एट्रियल जितना ही होता है, 0.12 सेकंड। जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो भी हमारा 3 बॉक्सेस के बीच में हो जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं, आफ्टर दैट पी वेव इज ऑलवेज फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो हम इसे बोलते हैं नॉर्मल साइनस रिदम, ठीक है जी। इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। अब इससे हटके कोई भी एबनॉर्मैलिटी आती है, दैट विल लीड टू अरिथमियास। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अरिथमियास। देर कैन बी एट्रियल अरिथमियास, देर कैन बी जंक्शनल अरिथमियास, देर कैन बी वेंट्रिकल अरिथमियास। नाउ टॉकिंग अबाउट एट्रियल एबनॉर्मैलिटीज, सबसे पहले आता है हमारा एट्रियल फ्लटर। अब एट्रियल फ्लटर क्या होता है? जब भी आपको टिपिकल सो टूथ लाइक प्रेजेंटेशन दिखे, ये जो एट्रियल फ्लटर की प्रेजेंटेशन होती है, दैट इज सो टूथ लाइक, इस तरह की प्रेजेंट दिखे प्रेजेंटेशन, तो आपको हमेशा एट्रियल फ्लटर को चूज करना है। आज के लेक्चर का हमारा मेन मोटिव ये नहीं है मेरा कि मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस बताऊं कि किसकी वजह से ये चीजें होती हैं। मेरा मेन मोटिव आज के लेक्चर का कि आपको अवेयर करवाना किस कंडीशन में किस तरह की ईसीजी आती है। बिकॉज आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कोई ईसीजी दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी कंडीशन है। सो अगर आप अवेयर होंगे तभी आप चूज कर पाएंगे करेक्ट ऑप्शन को। सो एट्रियल फ्लटर में जब आपको सो टूथ लाइक प्रेजेंटेशन दिखे, दैट इज बिकॉज ऑफ एट्रियल फ्लटर। अब ये होती किस वजह? यूजली हमारा SA नोड नेचुरल पेसमेकर है जो कि फायर करता है, बट अगर हमारे हार्ट में कोई और एट्रियम में कोई और एबनॉर्मल फोकाई जनरेट हो जाए, SA नोड के साथ इस कंडीशन में वो फोकाई भी फायर करता है, दैट विल लीड टू एट्रियल फ्लटर। इस कंडीशन में किस तरह की प्रेजेंटेशन आएगी? टिपिकल सो टूथ लाइक प्रेजेंटेशन। अगर हम इसे 5-step ECG इंटरप्रिटेशन में देखें, किसी भी ECG स्ट्रिप को हम 5-step ECG इंटरप्रिटेशन में देखते हैं कि वो किस तरह की होती है, फिर हमें पता चलता है कि वो ECG नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। एट्रियल फ्लटर में रेट कितना होगा? रेट इज इन बिटवीन 250 to 350 बीट्स पर मिनट। रिदम क्या होगा? रिदम होगा रेगुलर। कीप इन माइंड, रिदम होगा रेगुलर। सी, 2 P wave के बाद 3 P wave जनरेट हुई, फिर से 2 P wave जनरेट हुई, फिर से यहां पर 3 P wave जनरेट हुई, फिर से 2 P wave जनरेट हुई, मतलब सेम रिदम के साथ हमारी P wave जनरेट होंगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फ्लटर। कीप इन माइंड, क्यों मैं इस पॉइंट पर स्ट्रेस डाल रहा हूं? बिकॉज आगे भी ऐसी कंडीशन आएंगी, बट उनमें क्या होगा, रिदम क्या होगा? इरेगुलर। आफ्टर दैट P wave इज नन, बिकॉज पी वेव नहीं फॉर्म हो रही, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लटर वेव्स बोलते हैं, या फिर सो टूथ लाइक पैटर्न बोलते हैं। क्या पीआर सेगमेंट फॉर्म हो रहा है? नो, देयर इज नो पीआर सेगमेंट। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट क्यूआरएस? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या नॉर्मल? अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों नॉर्मल फॉर्म हो रहा है? बिकॉज AV नोड इस इरेटिक मूवमेंट को, इस वाइल्ड मूवमेंट को जो जनरेट हो रही है हमारे एट्रियम में, उसे पास आउट नहीं होने देती हमारी वेंट्रिकल्स तक, इसलिए हमारी पीआर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल फॉर्म हो रहा है। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट, अगर हम एट्रियल फ्लटर्स को करेक्ट नहीं कर पाए, इसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम सब बताऊंगा एक एक डिसीज कंडीशन को लेकर, बट आज मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं ECG पैटर्न्स के बारे में। अगर हम एट्रियल फ्लटर को करेक्ट नहीं कर पाए, दैट विल लीड टू एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होती है? इसमें एट्रियल फ्लटर में तो हमारे एट्रियम में एक फोकाई जनरेट हो रहा था, इस कंडीशन में बहुत सारे एबनॉर्मल फोकाई जनरेट हो जाते हैं और सभी के सभी एबनॉर्मल फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड इरेटिक मूवमेंट्स आती हैं और पैटर्न कैसा जनरेट होता है? पी वेव की जगह, ठीक है जी, इस तरह का पैटर्न जनरेट होगा और ये क्या होगा? इरेगुलर होगा, ठीक है। देखो, पी वेव बहुत ज्यादा, पी वेव थोड़ी कम, पी वेव बहुत ज्यादा, पी वेव फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, बट पी वेव क्या होगी?
इसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिलेटरी वेव्स। पी वेव की जगह कौन सी वेव फॉर्म होगी, फिब्रिलेटरी वेव, और ये क्या होगा, इरेगुलर होगा। जो इसमें हमारा रेट होगा दैट इज 350 to 600, ठीक है जी, हमारा रेट क्या होगा 350 to 600, रिदम क्या होगा, इरेगुलर। बट फ्लटर्स में क्या था, रिदम क्या था, रेगुलर। इसमें क्या होगा, रिदम इरेगुलर होगा। अगेन पी वेव फॉर्म नहीं होगी, पी आर सेगमेंट भी फॉर्म नहीं होगा, बट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ एवी नोड, ठीक है जी। लास्टली लास्ट इज प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में होगा, पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ क्या टिपिकल पैटर्न होगा प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का। फर्स्टली पी वेव फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल नॉर्मल। पी वेव फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। अब एकदम से कोई पी वेव आएगी जो क्या होगी, रिट्रोग्रेड, ठीक है जी। एक पी वेव आएगी रिट्रोग्रेड शेप में होगी। अब अगर रिट्रोग्रेड होने की वजह क्या है, ये मैं आपको भी बताता हूं। इस कंडीशन में क्या होगा, बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन, ये हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हमारा जो एक एबनॉर्मल फोकाई जनरेट होता है इस जगह पर एवी नोड के बिल्कुल पास। अब जब एवी नोड फायर करता है, नॉर्मली क्या होता है, इसमें देखो पहले पी वेव आई, एस नोड ने फायर किया, वो यहां पर गया, एवी नोड ने फायर किया, हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी, सब कुछ नॉर्मल चलता है। बट एकदम से क्या होता है, एवी नोड जब फायर करता है तो ये वाला जो हमारा फोकाई है वो भी स्टिमुलेट हो जाता है, और ये फोकाई क्या करता है, करंट को वापिस भेज देता है, ठीक है जी। अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में जाता है कभी कभी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एबनॉर्मल पैटर्न क्रिएट हो जाता है, क्या पी वेव क्या होगी, रिट्रोग्रेड। मतलब अगर आपको किसी ईसीजी शिप में पी वेव नॉर्मल एकदम से रिट्रोग्रेड पी वेव दिखे, दैट विल इंडिकेट प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, प्री मैच्योरली होगी। इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, रिट्रोग्रेड पी वेव। कहीं कहीं पर बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न चलेगा, कहीं कहीं पर पी वेव क्या हो जाएगी, रिट्रोग्रेड, उल्टी शेप की हो जाएगी, ठीक है जी। दैट इज ऑल अबाउट एट्रियल एबनॉर्मैलिटीज। After discussing about atrial abnormalities, let's discuss about junctional abnormalities. अब ये क्या होता है? इस condition में हमारा SA node तो बिल्कुल सही काम करता है, but problem होती है हमारे AV node के साथ। कुछ लोग इसे junctional block कहते हैं, कुछ लोग इसे nodal block कहते हैं, कुछ लोग इसे heart block कहते हैं। Basically तीन तरह का heart block होता है, अब तीनों तरह को discuss करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस नॉर्मल पैटर्न फर्स्ट। ये हमारा एवी नोड है। अब नॉर्मली एवी नोड क्या करता है, पी वेव होल्ड करता है फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव होल्ड करता है फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव होल्ड करता है फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। हमने पढ़ा था एवी नोड का काम क्या, करंट को होल्ड करना, ठीक है जी। अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, पी वेव एबनॉर्मल होल्ड फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव एबनॉर्मल होल्ड फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव एबनॉर्मल होल्ड फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। मतलब कि पी वेव विल ऑलवेज कन्वर्ट इंटू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बट आफ्टर एबनॉर्मल होल्ड। हमारा एवी नोड अगर बहुत ज्यादा होल्ड करने लग जाए करंट को, दैट विल लीड टू फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इस कंडीशन को हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पी वेव आफ्टर एबनॉर्मल होल्ड फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी वेव आफ्टर एबनॉर्मल होल्ड फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी वेव एबनॉर्मल होल्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। All P waves will converted into QRS complex but abnormal hold के बाद। अब second degree heart block में क्या होता है, P wave abnormal hold followed by QRS complex, P wave abnormal hold followed by QRS complex, P wave abnormal hold not followed by QRS complex। मतलब second degree heart block में क्या होगा, कुछ पी वेव कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में। अब एबनॉर्मल होल्ड फर्स्ट डिग्री में भी था बट ऑल पी वेव्स आर फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक
नॉट ऑल पी वेव्स फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हर एक पी वेव कन्वर्ट नहीं होती क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, एबनॉर्मल होल्ड होता है बट पी वेव स्किप होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, पी वेव एबनॉर्मल होल्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी वेव एबनॉर्मल होल्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी वेव एबनॉर्मल होल्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑल पी वेव विल बी फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बट आफ्टर एबनॉर्मल होल्ड। ठीक है जी, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमने यही बात की, बट अब सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, P wave abnormal hold QRS complex. P wave abnormal hold not followed by QRS complex. अब इसके बाद फिर से P wave दिखेगी। अगर आपको इस तरह का कोई पैटर्न दिख रहा है, दैट इज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर आपको इस तरह का कोई पैटर्न दिख रहा है, मतलब एबनॉर्मल डिले तो है बट फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ऑलवेज, तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अब सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी दो तरह के होते हैं, मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2, हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। मोबिट्स टाइप 1 में क्या होता है, पी वेव नॉर्मल होल्ड फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव थोड़ा सा और डिले बढ़ा फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव थोड़ा सा और डिले बढ़ा फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव डिले बहुत ज्यादा बढ़ा नॉट फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। मोबिट्स टाइप 1 में प्रोग्रेसिवली डिले होगा पीआर सेगमेंट में अंटिल जब तक स्किप नहीं हो जाती क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बट टाइप 2 में क्या होता है, मोबिट्स टाइप 2 में शुरू में ही गैप सेम रहता है नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। मतलब टाइप 2 में क्या होगा, सेम गैप थ्रू आउट द ईसीजी में दिखेगा, ठीक है, अंटिल जब तक QRS कॉम्प्लेक्स स्किप नहीं हो जाता, बट टाइप 1 में क्या होगा, प्रोग्रेसिवली डिले अंटिल देयर इज स्किपिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, अब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, P wave will never followed by QRS कॉम्प्लेक्स। P wave will never followed by QRS complex. इसे हम full heart block भी कहते हैं। मतलब कोई भी P wave convert नहीं हो पाती QRS complex में। कोई भी AV node बिल्कुल ही block कर देता है current को। अब इस condition में क्या होता है? अब अगर ऐसा होगा तो क्या होता है? Ventricles अपना अलग से कोई फोकाई बना लेती है जो कि करंट को जनरेट करने लग जाता है। अब इस वजह से क्या होगा, इस वजह से होता है वेंट्रिकल और एट्रियम की आपस में कोई रिदम नहीं रहता, कभी भी वेंट्रिकल फायर करती है। फॉर एग्जांपल इसका काम क्या है, 60-100 बीट्स पर फायर करना। अगर ये एबनॉर्मल रिदम बने, एबनॉर्मल फोकाई बनेगी, माइट भी ये 40 बीट्स पर फायर करे, माइट भी ये 120 बीट्स पर फायर करे, तो इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहता। जो ईसीजी फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वो इस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल पी वेव नॉट फॉलोड बाय पी वेव और नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर पी वेव फॉर्म हुई, फिर उसके बाद इतने गैप के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर हमारी पी वेव फॉर्म हुई, एकदम से हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर पे वे फॉर्म हुई, कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आए नहीं, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल फोकाई है ये अपनी मर्जी से फायर करेंगे, कभी तो एकदम कर देंगे, कभी बहुत डिले करेंगे। ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारी जो ईसीजीज आती हैं वो इस तरह की दिखती है। मतलब पी वे में और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता, कभी भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगी, कभी भी पी वे फॉर्म हो जाएगी। अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन आती है, दैट मींस इट इज फुल हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। नाउ टॉकिंग अबाउट सुपरा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। सुपरा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया क्या होता है, सुपरा का मीनिंग होता है अबव वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा एसए नोड तो बिल्कुल सही फायर करेगा, बट प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है, एवी नोड के साथ। अब एवी नोड क्या करेगा, जैसे ही एसए नोड ने फायर किया, हमारी एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हुई, करंट आया हमारे एवी नोड के पास, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग करंट डाउनवर्ड, एवी नोड क्या करेगा, उस करंट को दोबारा से फिर अपवर्ड सेंड कर देगा, जिसकी वजह से हमारे अबव वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हो जाता है बिकॉज ऑफ एवी नोड। ठीक है जी, अब इसमें जो टिपिकल अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी, सी पी वेव क्या होगी, रिट्रोग्रेड होगी। अब पी वेव रिट्रोग्रेड क्यों होगी, क्योंकि करंट अब उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है,
फर्स्ट जो इसका टिपिकल वो होगी अपीयरेंस होगी दैट इज पी वेव रिट्रोग्रेड, सेकंड जो इसकी अपीयरेंस होगी सी पी वेव फॉर्म हो रही है टी वेव से पहले, मतलब अभी वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन होने से पहले ही एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन फिर हो जाती है, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन होने से पहले ही एट्रियम की रिलैक्सेशन हो जाती है, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कीप इन माइंड दो चीजें होंगी सुपरा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में, एक तो पी वेव आपको थ्रू आउट द ईसीजी क्या मिलेगी रिट्रोग्रेड मिलेगी, सेकेंडली जो टी वेव होगी जो पी वेव होगी वो टी वेव से पहले अपीयर होगी, ठीक है जी। ये होती है सुपरा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया की टिपिकल अपीयरेंस। इसका कोज मैंने बता दिया अबव वेंट्रिकल टैकीकार्डिया बिकॉज ऑफ एवी नोड, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग करंट डाउनवर्ड एवी नोड क्या करता है करंट ऊपर फिर सेंड कर देता है, करंट उल्टी डायरेक्शन में जाने की वजह से रिट्रोग्रेड हमारी जो ईसीजी की पी वेव होती है फॉर्म होती है, ठीक है जी। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट टू मोस्ट डेडली मोस्ट इंपॉर्टेंट ईसीजी अपीयरेंस, अगर इनका ट्रीटमेंट ना टाइम पर हो तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। सबसे पहले वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में क्या होता है हमारा एसए नोड भी फेल हो जाता है हमारा एवी नोड भी फेल हो जाता है, ठीक है जी। अब वेंट्रिकल में अपने ही कोई फोकाई फॉर्म होती है जो क्या करती है वेंट्रिकल को करंट पास करती है, इसमें जो टिपिकल हमारी जो अपीयरेंस फॉर्म होगी दैट इज टोम्ब लाइक, ठीक है जी, टोम्ब लाइक वेव फॉर्म होगी टिपिकल अपीयरेंस, देर इज नो पी वेव देर इज नो पी आर सेगमेंट, रेगुलर रिदम हमारा रेगुलर होगा बट हमारी जो क्यू आर एस सेगमेंट है वो क्या होगी टोम्ब लाइक, ठीक है जी। अब अगर इस कंडीशन को हमने ट्रीट ना किया दैट विल लीड टू वेंट्रिकल फिब्रिलेशन द मोस्ट डेडली कंडीशन। अब मैं वैसे तो इनका ट्रीटमेंट डीप में मैं पढ़ाऊंगा इन कंडीशंस को, बट इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं बेसिकली हम सबसे पहले पेशेंट की पल्स चेक करते हैं, अगर तो पेशेंट की पल्स है तो हम उसे देते हैं कार्डियोवर्जन, अगर पेशेंट पल्सलेस है तो हम उसे देते हैं डिफिब्रिलेटर। इस कंडीशन में हम क्या देते हैं पेशेंट को सीधा दे देते हैं डिफिब्रिलेटर। कीप इन माइंड डीफेब हम सिर्फ दो कंडीशन में करते हैं, एक तो पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया एक वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, इनके सिवा पूरे किसी भी एबनॉर्मल रिदम में हम डीफेब नहीं करते। हमेशा ये हॉट टॉपिक रहा है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है एनक्लैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। अगर हम वेंट्रिकल टैकीकार्डिया को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में। अब वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या होगा बहुत सारे एबनॉर्मल फोकाई जनरेट हो जाएंगे और वो अपनी मर्जी से ही कभी कहां फायर करेंगे, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय करेगा मरमर, जिसकी वजह से हमारी ऐसी वाली ईसीजी स्ट्रिप फॉर्म होगी, हार्ट होगा मरमर और कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट इसमें नील के बराबर प्रोड्यूस होता है क्योंकि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन तो होती नहीं, कार्डियक आउटपुट जनरेट होगा नहीं, इसमें बस हार्ट मरमर करेगा, हार्ट की जो रेट है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बट क्या करेगा मरमर इंस्टेड ऑफ पंपिंग प्रॉपरली, ठीक है जी। तो इसमें हमारी छोटी छोटी सी वेव फॉर्म होती है, ना कोई पी वेव फॉर्म होगी ना पी आर सेगमेंट फॉर्म होगा ना कोई क्यू वेव क्यू आर एस सेगमेंट फॉर्म होगा, ठीक है जी। तो हमारी छोटी छोटी सी मर्मर काइंड ऑफ पी वेव क्यू आर एस सेगमेंट फॉर्म होगा दैट इज एबनॉर्मल। इन दोनों ये मोस्ट डेडली कंडीशन है, अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट ना हो तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, होप सो आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरा बेसिक मोटिव क्या था इस लेक्चर में आपको सारी ईसीजी की प्रॉपर हार्डकोर स्ट्रिप्स बताना, और आपका एग्जामिनर क्या करता है आपको हार्डकोर ऐसी वाली स्ट्रिप्स देगा ईसीजी स्ट्रिप्स देगा और आपसे डिसीज कंडीशन पूछेगा। अगर आपको इन कंडीशंस के बारे में इन ईसीजी स्ट्रिप्स के बारे में पता होगा तभी आप इसे इवेल्युएट कर पाएंगे तभी आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर देखा है मैं अपने नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हार्डकोर रियल ईसीजी स्ट्रिप सेंड करूंगा जो कि आपको एग्जाम पॉइंट में सेम वैसी स्ट्रिप्स ही आएंगी जो आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में। अगर आपने रियल ईसीजी देखी होंगी रियल स्ट्रिप्स से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो ही आप एग्जाम में रियलिटी में उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, मेक श्योर आप मेरे लेक्चर को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी एनक्लैक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।